हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज मैं आपके लिए आज एक और एक बहुत ही एक्साइटिंग गाड़ी लाया हूँ, विच इज़ द किया कार्निवल। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि दुनिया भर में नई किया कार्निवल लॉन्च हो चुकी है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया में इसे ओरिजिनल कार्निवल एंड द ग्रैंड कार्निवल कार्निवल नाम के बेचा जाता है। तो ग्रैंड कार्निवल इज़ द न्यूअर वन, ये जो करंटली इंडिया में बेची जा रही है उससे ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लग्जूरियस है, ज़्यादा स्पेशियस है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत कुछ ज़्यादा है इसमें। आई जस्ट विश इंडिया में क्यों नहीं आया अभी तक, एंड वाई वॉज द ओल्ड कार्निवल लॉन्च। एनीवेज, लेट्स लुक एट दिस कार इन डिटेल। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखोगे एक एक करके। बहुत प्यारी लगती है गाड़ी इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। क्या लुक दिया हुआ है इसको, क्लासिकल स्टाइलिंग विथ यू नो मॉडर्न डिज़ाइन टच। अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हैं, दिस गेट्स सो मच क्रोम ऑन इट। तो ये ह्युंडई किया की जो डिज़ाइन लैंग्वेजेस है नई वाली, बहुत ही प्यारी लगती है, एंड यू विल नोटिस इट लुक्स सो फैंटास्टिक। ओके, अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखते हैं, सो यू गेट दीज लाइट्स हियर, एक सेपरेट लाइट है, एंड देन हियर यू हैव द अदर पीस ऑफ लाइट जो आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए लाइट ऑन भी करने वाला हूँ, जिससे आपको दिखाई देगा, पता चलेगा कैसे लग रहा है ओवरऑल लुक इसका। तो दिस इज हाउ द लाइट्स लुक ऑफ द कार। ओके, ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्यारा लुक दिया हुआ है इसको, एंड ओवरऑल अगर आप नीचे से भी देखेंगे इसको, तो इसको फॉग लैम्प भी है, और अंडरनीथ जो है गाड़ी के पूरा एक यू नो सिल्वरिश क्रोम फिनिश दिया हुआ है, जो थोड़ा मैट फिनिश में है, जिस वजह से इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो दिस इज़ व्हाट द फ्रंट ऑफ द कार लुक्स लाइक। मैं आपको गाड़ी का साइड प्रोफाइल भी दिखाता हूँ, हाउ इट लुक्स अपीयर्स फ्रॉम द साइड। एक बार देख लीजिए, बहुत ही मैसिव गाड़ी, इट्स लाइक यू नो यू जस्ट वॉकिंग, और ये यहाँ आके ख़त्म हो रही है। सो इट्स रियली अ बिग कार इन इट्स ओवरऑल साइज, और एक बॉक्सी लुक दिया हुआ है, ताकि सेकेंड एंड थर्ड रोड जो पैसेंजर्स बैठे उनको अच्छा खासा हेडरूम भी यहाँ मिल जाए। और ये जो एलिमेंट दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस आप नोटिस करोगे कि ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है, इट्स क्वाइट यूनिक एंड डिफरेंट। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ प्लेन दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे एक डिज़ाइन पैटर्न भी दिया हुआ है। नॉट्स अ परसेंटेज, आपको पसंद आता है नहीं इसके। ये देख लीजिए, दीज आर मैसिव मैसिव ऑन द टॉप, एकदम बड़े रूफ रेल्स है, और पता है क्या बड़ा है इसका मिरर। जस्ट चेकआउट द साइज ऑफ द मिरर, बहुत ही बड़ा मिरर दिया गया इस गाड़ी को, बिकॉज द व्हीकल इज एग्जॉर्बिडेंटली लॉन्ग। ओके, अगर आप इसके टायर्स देखते हैं, यू विल नोटिस के ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया है। आई एम फॉलन इन लव विद दिस कार। मतलब ये, मैं इसको MPV तो नहीं कह सकता इस गाड़ी को, दिस फील्स लाइक एन SUV ओनली प्रॉपरली। लाइक लुक एट द साइज ऑफ द गॉड डैम कार, काफ़ी बड़ी है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। ज़रा एक बार पीछे से आप साइड देख लीजिए, इट लुक्स सो बिग, और एकदम ह्यूमंगस गाड़ी है यहाँ पे। इट गेट्स दिस प्रॉपर SUV स्टाइलिंग rather than a MPV स्टाइलिंग। अब अगर आप रियर पे आके देखते हो इस गाड़ी के, तो अगेन ग्रेट जॉब डन इन ओवरऑल डिज़ाइन। आप नोटिस करोगे कि जो टेल लैम्प्स की स्टाइलिंग है बहुत अच्छी है, ओवरऑल डिज़ाइन, आई मीन आप बोलोगे ये MPV है तो SUV लग रही है पीछे से पूरी तरह। सो दिस इज़ वेयर द व्हीकल स्टैंड आउट इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग। पूरा टेल लैम्प्स जो है कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड जॉइंट दिए हुए हैं, जो इससे बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली मैसिव ग्लास एरिया आपको पीछे ऑफर किया गया है। अब आप समझे मैं क्यों कह रहा था कि कार्निवल जो इंडिया में है, दैट शुड नॉट बी द वन, दिस शुड बी द वन इन इंडिया। तो अब इस गाड़ी का बूट देखते हैं। सो हियर वी गो, एंड ये कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का बूट खुल जाएगा। ऑलराइट, और आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी में आपको तीन नहीं, यहाँ आ जाइए, पहले मैं आपको शॉर्ट पॉइंट्स बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप कितना वाइड है, एकदम फ्लैट है, बहुत जगह है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ कर लूँ और इसे खींच लूँगा बाहर, तो यहाँ आपको मिल जाता है चौथा रो। जी हाँ, आप पास आइए, देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास चौथा रो ऑफ सीटिंग भी अवेलेबल कराया गया है इस गाड़ी के अंदर। जी हाँ, पूरी गाड़ी देख लीजिए, यू हैव 4 damn rows टू सिट इन दिस कार, 1, 2, 3, 4। सो ये एक बहुत बड़ी खासियत है, पर इंडिया में इतनी बड़ी जगह तो हम यूज़ नहीं करते। सो हम इसे बंद करके भी अगर यूज़ करेंगे जगह को, सो ये आपका फ्लैट फोल्ड होके आपके पास बहुत जगह है इन द बूट टू यूटिलाइज ऑन अ डेली बेसिस। तो काफ़ी बड़ी है, बूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप चौथा रो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम करेंगे, हम चौथा रो में देखेंगे कितनी जगह है, और हम बैठ के भी दिखाएंगे आपको। ऑलराइट, सो ये रहा इसका सीट लॉक। ओके, सो मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ ज़रा कैसे चलती है इस गाड़ी की। अगर मैं ये बंद करता हूँ, तो ये पूरा बंद हो जाता है यहाँ पे। ऑलराइट, अब गाड़ी के अंदर जाते हैं, पहले फोर्थ रो में जाते हैं, फिर थर्ड रो में जाते हैं, फिर सेकंड रो के अंदर जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फोर्थ रो में कैसे जाते हैं। तो मैं ये सीट फोल्ड की आगे लिया इसको ऑलरेडी थोड़ा, अब मैं ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये पूरी सीट कैसे फोल्ड होती है, तो मैं सिर्फ फोर्थ रो में चला जाता हूँ।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। उप्स, ये रही पीछे की जगह। हेडरूम तो ठीक है बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है फोर्थ रो। अगर आप यहाँ पास से देखेंगे तो मेरे पास नी रूम बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ना ही इवन हेडरूम बहुत ज़्यादा है। ठीक ठाक ही है ओवरऑल स्पेस। अब थर्ड रो में जाके आपको दिखाएंगे क्या स्पेस दी गई है फॉर थर्ड रो पैसेंजर्स। सो आई डोंट नो हाउ डू यू फोल्ड दिस थिंग बट मैं इधर से आ जाता हूँ थर्ड रो में। तो थर्ड रो की सीट मैं कुछ ऐसे एडजस्ट की है। ओवरऑल यहाँ पे स्पेस ठीक ठाक है, सीट की रिक्लाइन ठीक है, हेडरूम इज ओके नॉट वेरी बैड, और आपके पास यहाँ नी रूम की भी कमी नहीं है इतनी। आप चाहिए तो सीट पीछे ले जा सकते हो जहाँ आपके पास स्पेस बढ़ सकती है, लेकिन फिर वो लास्ट रो में जगह बिल्कुल नहीं बचेगी। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत जगह हुई है, यहाँ अगर आप देख रहे हैं मेरा नी रूम काफ़ी ज़्यादा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट, एंड हेडरूम डिसेंट है। अब फोर्थ रो पैसेंजर्स को पीछे कुछ कंट्रोल्स नहीं दिए हुए हैं, थर्ड रो को एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ लाइट भी है उनके यूजेज के लिए, प्लस अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपके पास एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी है जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारा स्टोरेज अवेलेबल है, आप सामान बहुत सारा रख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं लाइक योर कप होल्डर्स एंड ऑल दिस थिंग, और पीछे आपके पास एक USB चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल कराया गया है। इफ़ यू कैन सी दिस, स्पीकर भी है, पीछे लाइट भी है, AC वेंट्स भी है। तो थर्ड रो पैसेंजर्स के पास काफ़ी सारी सुविधा है। फोर्थ रो इज़ मोर लाइक अ जंप सीट, अगर मान लीजिए बच्चे बच्चे वगैरह के एक्स्ट्रा हो गए, कहीं बड़ी फैमिली ट्रिप पे जा रहे तो यहाँ बैठ जाइए, पर बूट में फिर जगह नहीं बचती आपकी टेक्निकली। सो ये इस गाड़ी की कहानी है फॉर द थर्ड रो। वैसे ये जो है ना, फ्रॉम वॉट आई सी, ये सीट फोल्ड हो जाती है कुछ ऐसे, तो यहाँ से आपको एंट्री एग्जिट मिलेगा टू गो इन टू द फोर्थ रो अगर आपको जाना है। सो दिस इज वॉट दैट स्पेस वॉज जो हमें दिख नहीं रही थी उस टाइम पे। अब आते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड रो जहाँ पे हम आपको स्पेस दिखाएंगे इन द सेकेंड रो, जिससे आपको समझ में आएगा कि गाड़ी में ओवरऑल कितनी जगह यहाँ मिल रही है आपको। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट कम हियर और ये सीट कुछ ऐसे कर देंगे। तो आपके पास यहाँ अच्छी खासी स्पेस दी गई है। मैं ज़रा डोर बंद कर दूँ, आप ये बटन दबा के डोर बंद कर सकते हो अपनी गाड़ी का। ज़रा यहाँ देख लीजिए, तो ये दो आपके जो होल्ड बटन्स दिए हुए हैं, तो एक एक अगर होल्ड करेंगे तो आप अपना डोर खोल और बंद कर सकते हो क्वाइट ईजिली। सो ओवरऑल यहाँ पे आपके पास स्पेस अच्छी खासी है, हेडरूम इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नी रूम भी डिसेंट है ओवरऑल। मैं इसको भी चाहिए ना तो एकदम पीछे ले सकता हूँ, बट इट्स ओके, दिस इज़ डिसेंट इनफ, क्योंकि ये सिमिलर मैंने पीछे रखा था और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नी रूम था। सो आप यहाँ सेकेंड रूम में भी बैठ सकते हो, अपनी सीट का रिक्लाइन इंक्रीज कर सकते हो, यू कैन इन्जॉय सिटिंग बैक यहाँ पे कम्फर्टेबली, और यहाँ पे भी आप इसे खोल के रख सकते हो, पीछे वाली सीट को भी ऐसे खोल सकते हो। सो दो तीन तीन एटलीस्ट 8 सीटर है, प्लस अगर आपके साथ और दो लोग हैं तो उन्हें आप बूट में जो है उस बूट बंद करके इसे दो लोगों को और बिठा सकते हो पीछे। पीछे आपके पास सनरूफ भी है यहाँ पे, विच यू कैन ऑपरेट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और आपके पास और एक चीज़ है इस गाड़ी के अंदर जो मैं बताना चाहता हूँ, कि वो जो बटन जो है ना खोलने के लिए, आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ये बटन दिया हुआ है, इससे आप अपना स्लाइडिंग डोर को खोल और बंद कर सकते हो। और कभी गॉड फॉरबिड ये नहीं खुलता है, देन इन दैट केस यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस एंड यूज़ इट, खोल और बंद कर सकते हो इससे, ओके। एक और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब ये USB पॉइंट का एडवांटेज क्या है कि आप यहाँ पीछे TV या कुछ लगा सकते हो, जिस वजह से यू कैन ईजिली कनेक्ट टू इट एंड यूज़ इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पास यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है, प्लस आपके पास यहाँ अंडरनीथ एक स्टोरेज भी दी गई है इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल स्पेसिस बहुत सारी है इस गाड़ी के अंदर। अब मैं आपको फ्रंट दिखाऊंगा जो बहुत लग्जूरियस है इस गाड़ी का। सो लेट्स सी द फ्रंट इंटीरियर ऑफ द कार। तो अभी हम फ्रंट में आ गए गाड़ी के, सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन द एंटायर सिस्टम, ओके, नाउ वी हियर वी गो। तो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखते हो, बहुत ही मैसिव है। अंदर देख रहे हो कितनी जगह है इसके,
इट्स ह्यूमंगस ऑन द इनसाइड, काफ़ी ज़्यादा जगह है इस गाड़ी के अंदर एंड हेडरूम भी अच्छा खासा है आपके पास, ओवरऑल स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं है, सो यू कैन सिट योर, आप एक बहुत कमांडिंग पोजिशन पर बैठते हो, इट्स मोर लाइक एन MPV इन टर्म्स ऑफ सीटिंग इन साइड द कार। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, सेम जैसे आपको सेल्टॉस सोनेट में जो आपको UI सिस्टम है वही यहाँ मिल जाता है, हावेवर दिस फील्स अब लॉट बिगर, तो इसमें 12 इंच का ऑलमोस्ट टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है। यू ऑल्सो हैव अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी में, और आप नोटिस कर रहे हो तो इसको ADAS के फीचर्स भी यहाँ दे दिए गए हैं यहाँ पे ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी, प्लस आप इसे स्टीयरिंग व्हील पे भी चेंज कर सकते हो, यू नो योर ADAS फीचर्स ओवर हियर। ओके, सो और क्या आता है इस गाड़ी के अंदर, आप नोटिस करोगे कि इसको एक बहुत बड़ा सेंटर कंसोल दिया गया है, और यहाँ पे आपका स्क्रीन जो है इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपके पास दो USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं और एक दो USB फास्ट चार्जिंग और एक USB एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए, यहाँ आपके पास वायरलेस चार्जिंग दी हुई है। इसका गियर लेवर देखना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इट्स क्वाइट रोटरी टाइप, पार्क न्यूट्रल रिवर्स ड्राइव, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड फीचर, ये रहे इसके बाकी के चीज़ें। आपके पास 360 कैमरा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कुछ ऐसा दिख रहा है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस गाड़ी का बूट खुला है तो इस वजह से आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, पर इस गाड़ी को जो ओवरऑल आप यहाँ देख रहे हो कुछ ऐसे दिखती है गाड़ी। ओके, अब मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बताता हूँ एक एक करके, ऑन द कैमरा हटा देते हैं। आपके वेंटिलेटेड सीट्स है, ये हीटेड है, ओके ये हीटेड सीट्स है, ये वेंटिलेटेड सीट्स है, सो जस्ट टू गिव यू अ क्लियर एग्जांपल ऑफ हाउ थिंग्स वर्क हियर, ये हीटेड है, ये वेंटिलेटेड सीट्स आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। और आप दूसरे फीचर्स भी अगर देखोगे इस गाड़ी के, तो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है इन द कार। ओके, तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह है यहाँ पे, और अगर आपको पीछे बैठे और आपको फ्रंट सीट एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ ईजिली इसे कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, इट्स क्वाइट ईजी टू डू दैट एट यू नो इट्स वेरी ईजी, दैट्स नॉट एनी प्रॉब्लम हियर, तो आप ये बहुत ईजिली कर सकते हो। इसमें आई जस्ट स्विच ऑफ द म्यूजिक फॉर अ सेकेंड, सो ये बंद कर देते हैं हम गाड़ी। तो अभी आपको दिखाता हूँ और स्टोरेज स्पेसेस, आपके पास यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन भी इजीली रख सकते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ और चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा, एक तो यहाँ पे एक बहुत ही कूल एलिमेंट दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर जो आप यहाँ देख रहे हो, ये एक फिनिश है, इट्स नथिंग एल्स। आपके पास पीछे सन ब्लाइंड भी दिए हुए हैं जो हम आपको ऑपरेट करके दिखा सकते हैं, इट्स समथिंग हियर, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आपके पास हीटेड सीट्स भी है, ये इंडिया में हीटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं आएगा। अब अगर आप ये विंडो देखते हैं, विंडो की साइज देखो, इट इज़ सो बिग, इट इज़ ह्यूमंगस इन साइज ओवरऑल। तो आपके पास गाड़ी में दो सनरूफ्स आते हैं, एक पीछे दिख रहा है आपको सनरूफ और एक आगे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे दो सनरूफ्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अब इसमें इंजन ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, आपको एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है जो ऑलमोस्ट 202 BHP पावर बनाते हैं, और 8 speed 6 speed डिपेंड करता है इंडिया में वो लोग क्या चीज़ के साथ ऑफर करेंगे, बट दिस इज द कार्निवल वी वॉन्ट इन इंडिया, दिस इज एग्जैक्टली द कार्निवल वी वॉन्ट इन इंडिया। फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं, न्यू कार है, टेक्नोलॉजी बहुत है, और अगर आप 40 लाख रुपए तक खर्च हो, आई थिंक दिस बिकम्स अ ग्रेट चॉइस, मे बी 45-50 तक भी अगर ये गाड़ी जाएगी, आई एम श्योर पीपल विल विलिंग टू स्पेंड ऑन सच अ कार, बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, गिव इट अ बिग लाइक, प्लस अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, यू आर कंफ्यूज विच कार टू बाय, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से एक 15 मिनट के फोन कॉल पे अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो, इज इन दैट वेरी इजी, आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ अपने कोई डिटेल्स बने एंड बुक योर कॉल टाइमिंग, उससे आसान पता है क्या, सब्सक्राइब करना टू motoroctane। अब मैं आपके लिए इतना बहुत सारे वीडियोज ला रहा हूँ रोजाना, तो लाइक तो बनता ही है एंड नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना सारा कॉन्टेंट लाने वाले हैं इन द कमिंग डेज दैट You will miss out. तो notifications on कीजिए. So here I end this video और मैं आपको ये last में display दिखा के जाऊंगा. Take care guys. Bye. See you.